दोस्तों, ये पैकेट हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, आज हम लोगों के गांव में कुछ लोग आए थे भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी के कृषि विभाग की तरफ से, और किसानों को ये सब्जी बीज मिनी किट दिया गया है। तो हम सोचे कि आपको भी दिखा दें इस किट के अंदर क्या क्या है, आप देख सकते हैं। और ये राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा एक प्रमाणित है, इसको बोलते हैं NSC। तो आइए हम आपके सामने इसको खोलते हैं और देखें इसमें क्या क्या है, और जो जानकारियाँ उन्होंने बताई उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस पैकेट के अंदर, कौन कौन से बीज हैं और कैसे क्या हैं। दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तभी देख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एक जानकारी के लिए कि सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो क्या वास्तव में हम किसानों तक पहुंच रहे हैं, और पहुंच भी रहे हैं तो उनका उपयोग किस प्रकार हम करेंगे, उनसे लाभ या हानि क्या होगी। तो निश्चित रूप से आइए, आपको काफ़ी समय न लेते हुए इसको खोला है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक पर्चा भी है जिसमें लिखा है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भारत सरकार का संस्थान पूसा परिसर नई दिल्ली। इसमें सारे सब्जियों के बारे में आप देख लीजिए, बुआई का समय दिया है, हो सकता है आपके उपयोग में आ जाए, तो आप इसको देख लें एक बार। फिर देखिए, ये देखिए एक पालक का पैकेट है, ये मूली, ये बैंगन, अच्छी वैरायटी का बैंगन लोगों ने बताया, लेकिन इस समय तो दरअसल सीजन इसका है नहीं। और आप देख सकते हैं ये तरबूज का बीज भी मिला है, धनिया है और भिंडी, तरबूज का दो पैकेट है, और इसको टिंडी बोलते हैं। दोस्तों, ये देखने में तो जैसे नेनुआ जिसको हम लोग बोलते हैं उसका बीज लग रहा है। ये फ्री में मिला है हमारे यहाँ के किसानों को, गांव में लोग आए थे तो हमने सोचा ये आपको दिखा दें। यदि ठीक है, जानकारी आपके लिए हम इसको दिखा दिया हमने। बैंगन का बीज तो पूरा मिर्ची की तरह लग रहा है, जो मिर्च होता है उसकी तरह। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी। और ये जानकारी क्या है तो जो मिला है आपकी तरफ, यदि ऐसा हो चल रहा है इसका कार्यक्रम सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत ये लिखा है, अब पता नहीं कि पूरे देश में किसानों के लिए या विशेष तौर से कुछ जिलों में ही चलाया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ, नमस्कार।